सारे लैब का रिकॉर्ड कर रहे हैं कितना लगाया। उम्र के हिसाब से कुछ भी होता है सर। उस टाइम जिस टाइम हम लोग फार्म भरे तो उस टाइम जसवा कुछ अलग था, ताकत कुछ अलग था, अब इस टाइम कुछ और हो गया। उम्र का असर का तो नहीं है, एक प्रैक्टिस का भी है। जैसे हम लोग ने देखा है कि कुछ लोग हैं जो एज में आपका 40 में भी चल रहा है, लेकिन जब पूछे कि आप लोग कैसे कर लिए, तो वो लोग 6-6 महीना से तैयारी कर रहे हैं। जहानाबाद में आज लगातार दूसरे दिन होमगार्ड की बहाली जारी है। हालांकि काफी कम संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन जितने लोग भी पहुंचे थे उनमें गजब का उत्साह दिखा गया। आज जो है जहानाबाद ग्रामीण क्षेत्र के जो अभ्यर्थी उनका बहाली दिया जा रहा है। जहानाबाद ग्रामीण से 1695 अभ्यर्थी जो है उनका फॉर्म था, जिसमें से 600 से प्लस जो है अभी तो चल ही रहा है। अभी तक वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आके अपना दे चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी छट जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है कि उम्र का असर है या क्या है? उम्र का असर का तो नहीं है, एक प्रैक्टिस का भी है। जैसे हम लोग ने देखा है कि कुछ लोग हैं जो एज में आपका 40 में भी चल रहा है, लेकिन जब पूछे कि आप लोग कैसे कर लिए, तो वो लोग 6-6 महीना से तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि इतना टाइम है तो कभी कभी लग जाता है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी किया है उन लोग जो है सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। जैसे सुबह ही में करीब 10 बजे तक 70 अभ्यर्थी दौड़ में क्वालिफाई कर चुके थे। तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि एज का इसमें असर पड़ रहा है। मेन है कि कितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको सफल हो। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग 10-15 दिन पहले ही जानकारी मिल पाई थी, इस वजह से भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, जैसे कि ये जो खबर थी हम लोग मई में ही जो है मास्टर चार्ट में कर दिए थे, और हमको जैसे दैनिक जागरण इस सब में भी है, मार्च के करीब में भी हम लोग जो है पेपर के माध्यम से खबर दिए थे कि 1-2 महीने के अंदर आपकी बहाली होने वाली है। तो अपने तरफ से तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी दिया था। अब हो सकता है कुछ लोग जो बाहर रह रहे होंगे उन तक नहीं खबर पहुंची होगी, लेकिन जो लोग संपर्क में रहे होंगे यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से, तो उन तक मुझे लगता है कि बात पहुँच गई होगी कि यह प्रोसेस चल रहा है, और लोग भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। अभी 600 से अधिक आना, इसको हम लोग मान के चलिए कि सब लोग उपस्थित हो रहे हैं, जिनको भी पता है वो उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो भी दावे कर ले, लेकिन अभ्यर्थियों में सिस्टम को लेकर काफी नाराजगी दिखी। सर रक्षा गृह बनाने के लिए दौड़ के लिए 2011 में और 2022 में इसका आया है, जो कि 15-20 दिन पहले हम लोग को जानकारी हुआ। तो हम लोग सवेरे 4 बजे मॉर्निंग में दौड़ना स्टार्ट किए। हम लोग विश्वास नहीं था कि मतलब ऐसा सरकार का इतना पीछे से भी आ सकता है। इसके कारण मतलब टाइम भी देख रहे हैं 12-1-2 बजने जा रहा है, तो सर ऐसा दिक्कत तो आएगा ही। कितना साल बाद बहाली हो रहा है? 11 साल के बाद सर आया। अच्छा, तो उस समय भरे थे तो क्या एज थी? 1981 एज था सर, 4/1981 था डेट ऑफ बर्थ। जी सर। अच्छा, तो अभी उस समय उम्र क्या थी आप लोग? क्या सर उम्र कितना थी उस टाइम? मुश्किल से था 25। अब अभी कितना हो रहा है? अभी 42 साल हो गया सर। 42 साल हो गया। जी सर। तो ऐसे में कैसे दौड़ पाएगा? दौड़ेंगे, कोशिश तो करेंगे सर। अब कहावत है कि सब खाकर कुछ पछताना है, इसे विशेष क्या करना है सर। इसके लिए तैयारी भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। अगर यही चीज़ निकलना था सर, तो कम से कम 6 महीना पहले कम से कम इस चीज़ को करना चाहिए था, तो कुछ कुछ टाइम मिलता सर। उम्र के हिसाब से कुछ भी होता है सर। उस टाइम जिस टाइम हम लोग फार्म भरे तो उस टाइम जसवा कुछ अलग था, ताकत कुछ अलग था, अब इस टाइम कुछ और हो गया। अच्छा, इसमें धूप में हम लोग पड़ गए तो सर दिक्कत तो आएगा ना सर। फर्स्ट बार जो सवेरे 6 बजे मॉर्निंग में काम हुआ उन लोग का तो निकल सकता, हम लोग को दिक्कत हो गया। जमीन भी देख गया, ऊपर से भगवान का भी तो लक्षण। सरकार को इस पर थोड़ा सा कुछ ध्यान देना चाहिए सर। अगर इसका अप्लाई भी होता तो मतलब 6 महीने साल और टाइम मिलना चाहिए था। जो 11 साल के बाद सरकार ने दे रही है हम लोग को बेनिफिट, मतलब आप लोग किया जाएगा तो और कुछ टाइम देना चाहिए तैयारी करने का सर। अच्छा, तो इसकी अभी तैयारी किए थे कि नहीं? तैयारी कहाँ किए सर, इस सोच के 15-20 दिन पहले हम लोग को जानकारी हुआ है सर। क्या नाम हुआ? पंटू कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? कुम्हुआ, ग्राम कुम्हुआ से सर। जहानाबाद दौड़ने आए हैं। किस चीज़ में? बहाली में। अच्छा, तो कब फॉर्म भरते? 2011। अच्छा, तो कितना साल बाद बहाली हो रहा? लगभग 12 साल बाद। 12 साल। तो इसकी तैयारी कर रखे हैं? तैयारी का किए हम, खबर मिला है तो मोटा मोटी किए हुए हैं। हाँ, टाइम उतना नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो कैसे दौड़ पाएगा? कोशिश करेंगे। अब उम्र 20 साल की उम्र में हम लोग भरे थे, अभी हो गया 35 साल 32 साल 34 साल उम्र हो गया। हाँ, तो थोड़ा तो उम्र का तो
फिर लेके चलना पड़ेगा ना। अच्छा, उसमें दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी जोश को बनाए। हाँ, जोश बनाए हुए हैं, वो होना ना होना तो। अच्छा, अगर उस समय से बहाली होती तो उस समय निकाल लेते, उस समय निकाल लेता। बता दें कि साल 2011 के जून माह में होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। होमगार्ड बनने के लिए 12,044 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन बहाली प्रक्रिया अब शुरू हुई है। बता दें कि जिले में होमगार्ड के कुल 229 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए बहाली प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।